हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस मंडे, वे टू सक्सेस। आई एम योगेश वर्मा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्सेस मंडे एजुकेशन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो आपकी क्लास है वो है जनरल साइंस से फिजिक्स पे। आज हम फिजिक्स का जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा कवर कर लेंगे। इससे पहले 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं डिस्कस फिजिक्स के, तो आज जो आपके लगभग 50 क्वेश्चन और बचते हैं वो आज आपके इस क्लास में पूरे करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो आज की आपकी क्लास है काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। ये क्लासेज आपकी IBC का टेस्ट एग्जाम के लिए चलाई गई हैं। क्लासेज आपकी कंटिन्यू चल रही हैं। आज की जो आपकी क्लास है वो 44th क्लास है। अगर आपने अभी तक इनको ज्वाइन नहीं किया है और अगर ज्वाइन करना चाहते हो, IBC कोट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो हमारे चैनल से, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको सक्सेस बटन को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन पर टैप जरूर करना होगा, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ जाओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, क्लास की तरफ चलते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन मिलेगा वो है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस अराउंड ए कॉर्नर और ए स्लिट इज ड्यू टू। जब प्रकाश किसी किनारे या फिर किसी दरार से होकर गुजरता है तो वो किस वजह से बैंड हो जाता है, ठीक है। जो लाइट है वो किस वजह से बैंड हो जाती है, तो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट है रिफ्लेक्शन, सेकंड है रिफ्रैक्शन, एंड थर्ड है डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। ओके, तो देखो जब लाइट बैंड होती है वो होती है डिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, और जब लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है वो होती है आपकी रिफ्रैक्शन की वजह से। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, अब कोई लाइट आई और ये इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ से लाइट आई, अब टकराने के बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, दैट्स मीन्स ये क्या है, ये आपका रिफ्रैक्शन ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, लेकिन यहाँ से अगर कोई लाइट आ रही है और इस दरार से होती हुई वो बैंड होके गुजरती है तो उसको हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो है डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन। रिफ्रैक्शन से उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है और डिफ्रैक्शन से जो वेव्स हैं वो बैंड होके गुजरती हैं, ठीक है। बैंड का मतलब होता है मुड़ के जाना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए मिराज इन डेजर्ट। जो मिराज, जो मरीचिका या मृतकृष्णा जो बनती है मरुस्थलों के अंदर, उसका बनने का मुख्य कारण क्या है। और अब कुछ क्वेश्चन ये भी होंगे बच्चों के कि मरीचिका या फिर जो मृतकृष्णा वो होती क्या है। तो जैसे गर्मियों में आपने देखा भी होगा, अगर आप रोड पर ट्रैवल कर रहे हो तो मीन्स जहाँ पे आप हो आपको थोड़े से दूर पे नज़र आएगा कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है, और आप वहाँ तक पहुँचते हो तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, फिर आपको वो चीज़ थोड़ी सी दूर आगे फिर से नज़र आती है, ठीक है। तो वही होता है आपका मरीचिका मतलब या फिर मृतकृष्णा। तो उसके बनने का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन, सेकंड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का प्रतिबिंब, एंड थर्ड आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, एंड फोर्थ आपका बोथ रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। तो ये जो इसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि सन डेजर्ट में गर्मियों में जैसे लाइट गिरती है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई होगा और ये जो हवा होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और जो लाइट जो नीचे गिर रही है वो इसका जो पूरा टोटल जो रिफ्लेक्शन है इंटरनल रिफ्लेक्शन वो वहीं पे बना रहता है, और इसी वजह से आपको वो चीज़ दिखती है कि दूर से आपको दिखता है कि वहाँ पे पानी है, मतलब एक्चुअली में वो होता क्या है, वहाँ पे प्रकाश मतलब लाइट होती है, ठीक है। तो जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। हु डिस्कवर द टेलीविजन। जो टेलीविजन है उसकी खोज किसने की थी, तो ऑप्शन आपके पास माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी अब्बे कैसलिनी या फिर जॉन बेर्ड, ठीक है। तो जो टेलीविजन की जो खोज की गई थी या फिर जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी मतलब जॉन बेर्ड द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ को हम टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, विच लास्ट सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे से कील ठोकना कठिन होता है, तो कौन सा नियम है जो इस कथन का समर्थन करता है। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट जो वह कि लॉ ऑफ इनर्सिया, सेकंड आपका न्यूटन सेकंड लॉ, एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ, एंड फोर्थ आपका पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो इस जो कथन है ये इसका समर्थन करता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, तीसरा नियम है, वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ वो क्या है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट उसी इक्वल अमाउंट की फोर्स आपके ऊपर अप्लाई करता है। मान लीजिए अगर आप 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हो दीवार के ऊपर, तो वो भी उतना ही आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें वुडन फ्रेम की, तो फ्रीली अगर कोई वुडन फ्रेम है अगर आप उसके ऊपर मीन्स कील ठोकने में जो फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जो फोर्स लगा रहे हो, मान लीजिए ये कोई फ्रेम है, आप इसमें कोई कील ठोकने लग रहे हो
अब इसमें क्या है, जो फोर्स आप इसके ऊपर लगाओगे उतनी इक्वल फोर्स ही आपके ऊपर लगाएगा, और वो कील क्या है उसके अंदर नहीं लग सकती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका वो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो विद्युत, जो चमके, जो तरंगे हैं, वो इनमें से कौन से के गुण नहीं है। ओके, नहीं की बात कर रहा है। तो ऑप्शन आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ओके, एंड सेकेंड आपका, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबरूप होते हैं। एंड थर्ड आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। एंड फोर्थ आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट। जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो आगे बढ़ने के लिए उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसने कहा कि गुण नहीं है। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो इंटरफेरेंस भी शो करती हैं और डिफ्रेक्शन भी शो करती हैं। तो इसने कहा डू नॉट शो इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इनका जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होती हैं। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा, ये सिर्फ आपका रॉन्ग होगा। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स भी होती हैं, और उनको किसी मीडियम की जरूरत भी नहीं होती आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो मिलेगा कि व्हाट वाज इन्वेंटेड बाई जकारियस जॉनसन। जकारियस जॉनसन के द्वारा किस चीज़ का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपके पास, जेट इंजन, रेडियम, सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, एंड विद्युत लैंप दैट मीन्स इलेक्ट्रिक लैंप। ओके, तो जकारियस जॉनसन के द्वारा जो आविष्कार किया गया, सॉरी, जकारियस जॉनसन के द्वारा जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था माइक्रोस्कोप का, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिरर इज जनरली यूज्ड इन, जो उत्तल-दर्पण है उसका प्रयोग किस में होता है। तो ऑप्शन आपके पास, सोलर कुकर, सौर चूल्हा, ऑप्थेलमोस्कोप, नेत्र अंतर्दर्शी, या फिर रिफ्लेक्टर फॉर हेडलाइट, अगर दीप का जो प्रतिक्षेप होता है वो, या फिर रियर व्यू मिरर मतलब जो पीछे देखने वाले जो दर्पण होते हैं जो, या फिर आप कह सकते हो गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं वो। ठीक है, तो जो कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर फोर, जो आपका है रियर व्यू मिरर। ठीक है, जो साइड मिरर की हम बात कर रहे हैं या फिर पीछे देखने के लिए जो मिरर लगाया जाता है वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर। उसका काम क्या होता है, ये छोटे छोटे इमेज बनाएगा, और इसी वजह से इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया की पिक्चर्स को इकट्ठा करके उनकी इमेज छोटी छोटी बना के एक छोटे से मिरर में काफ़ी दूर तक का वो दिखा देता है। ठीक है, दैट्स इसी वजह से कन्वेक्स मिरर को उसमें यूज किया जाता है। अब कनकेव मिरर कहाँ पे यूज होता है, वो होता है आपका सोलर कुकर्स में। वो क्यों, वो ज़्यादा लाइट को कवर करेगा और एक छोटे से हिस्से में वो रख लेगा। ठीक है, कलेक्ट जो लाइट है वो ज़्यादा लंबे एरिया से, लार्ज एरिया से कलेक्ट करके छोटे मतलब स्मॉल एरिया में वो कवर कर लेता है। ठीक है, तो कनकेव मिरर वहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे, सोलर कुकर में, और कन्वेक्स कहाँ पे, जो साइड मिरर होते हैं गाड़ियों के वहाँ पे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है। तो ऑप्शन आपके पास, न्यूटन, वाट, फेरेड एंड हर्ट्स। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो एसआई यूनिट है वो है हर्ट्स। और कई बार क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है, वो आपकी 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक। ठीक है, मतलब सुन सकता जिस तक 20 हर्ट्स की कम की अगर फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो भी इन मानव को सुनेगी नहीं, और 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा है तो भी वो उसको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो है आपकी ऑप्शन नंबर फोर्थ, हर्ट्स। यहाँ पे जो न्यूटन है वो आपकी फोर्स की एसआई यूनिट है, एंड फेरेड है वो आपकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, और हर्ट्स वो आपकी बच गई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, जो लाइट की जो स्पीड है, प्रकाश की जो गति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। तो ऑप्शन आपके पास, वैक्यूम, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो स्पीड है जो लाइट की वो सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप एक चीज़ नोट कर सकते हो, सबसे ज़्यादा वैक्यूम में, उसके बाद वो होती है एयर में। ठीक है, ओके, मैंने आपको काफ़ी बार बोला कि साथ में जब क्लास स्टार्ट हो कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो चीज़ आपको नोट करने के लिए कहा जाए उसको साथ के साथ नोट करते रहा करो। ठीक है, सबसे ज़्यादा वो वैक्यूम मतलब निर्वात के अंदर होती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है लाइट की वो होती है एयर के अंदर, देन वो होती है वाटर मतलब लिक्विड हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है ह्यूमन आई, क्लियर, और उसके बाद वो होती है ग्लास के अंदर। ठीक है, ये तीन चार
स्टेप पूछ लेता कई बार कि सेकंड नंबर पे सबसे मैक्सिमम किस में होती है, तो वो होती है एयर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट है आपका वैक्यूम, जो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत जो धारा है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन आपके पास न्यूटन, जूल, एम्पियर एंड वॉट। तो न्यूटन फोर्स की है, जूल आपकी वर्क या फिर एनर्जी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी एम्पियर, और इसको जो मापा जाता है, मेजर किया जाता है, वो किया जाता है एमीटर के द्वारा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट्स अपियर एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इन ए रियर व्यू मिरर, देन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड। यदि पश्चिम दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं, तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है। ओके, तो ऑप्शन आपके पास कनकेव, कन्वेक्स, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आई थिंक वो आपको पता भी होगा, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब काफ़ी सारे बच्चे करेंगे कन्वेक्स, अब काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर भी करने की कोशिश की होगी कन्वेक्स, लेकिन कन्वेक्स आंसर नहीं होगा। कन्वेक्स में क्या, कन्वेक्स के बारे में मैंने बताया था कि वो यूज किया जाता है नॉर्मली, क्योंकि वो छोटी छोटी इमेज बना के ज़्यादा लंबा एरिया को कवर करके उसमें दिखा देता है। लेकिन इसने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट दिखता है, बड़ा दिखता है और उल्टा दिखता है, तो कैसा लेंस, कैसा दर्पण वो यूज कर रहा है उस टाइम पे, वो कर रहा है कॉनकेव, ठीक है। उस टाइम पे कैसा कर रहा है वो, कॉनकेव, कन्वेक्स नहीं कर रहा, ठीक है। तो कॉनकेव यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। जिसमें चीज़ें बड़ी दिखें, जो वास्तविक है उससे बड़ी दिखे तो कॉनकेव, अगर वास्तविक से छोटी दिखे तो कन्वेक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपका वो यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, क्लियर। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सोप बबल्स अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू, जो साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो किस के कारण गोलाकार होते हैं, ठीक है, किस वजह से वो गोलाकार दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन आपका इनर्सिया, जड़त्व, प्रेशर, दाब या फिर सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव या फिर विस्कोसिटी मतलब सैन्यता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता भी होगा और पता भी होना चाहिए, वो होता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से, मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हम थर्ड को ही टिक करेंगे, सरफेस टेंशन, और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाई सर हेम्फ्री डेवी, जो सर हेम्फ्री डेवी है उसने किसका आविष्कार किया था। तो ऑप्शन आपके पास सेफ्टी पिन, बाफ के इंजन का या फिर सेफ्टी लैंप का या फिर एक्सरे का। ओके, तो जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सेफ्टी लैंप का, जो सेफ्टी लैंप थे उसका आविष्कार किया गया था सर हेम्फ्री डेवी के द्वारा। ओके, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज वाटर टैंक अपीयर्स शैलोवर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देखने पर पानी का जो टैंक है वो उथला हुआ क्यों दिखाई देता है। तो ऑप्शन है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन अपवर्तन के कारण, ड्यू टू डिफ्रैक्शन विवर्तन के कारण या फिर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये जो चीज़ है वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इन तीनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। ओके, तो जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ड्यू टू रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन के कारण, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच कलर इज फाउंड वैन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स्ड, इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से तो जो ड्राइंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो बता सकते हैं, लेकिन ये आपका थोड़ा सा साइंटिफिकली लॉजिक बनेगा यहाँ पे। ओके, तो रेड एंड ग्रीन को मिलाने के बाद कैसा कलर बनेगा। तो ऑप्शन आपके पास लाइट ब्लू, ऐसे कोई चांस ही नहीं है, येलो, व्हाइट एंड ग्रे, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को पता भी होगा, जब आप रेड और ग्रीन कलर को मिलाते हो तो कैसा कलर बनेगा, वो बनेगा आपका पीला, ठीक है, येलो। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं काफ़ी बार आपको बोल भी चुका हूँ कि जब हम क्वेश्चन बैंक कर रहे होते हैं तो आप अपने आंसर, जो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्वेश्चन का, वो आप मुझे लाइव चैट में साथ के साथ मैसेज करते रहें। इससे क्या होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ट होगा, अच्छे से बिल्ट होगा, ठीक है। जो आप आंसर कमेंट कर रहे हो वो उसके जो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो गलत होने की है, सिर्फ आपका आंसर गलत हो सकता है, यहाँ पे नंबर नहीं कट रहे आपके, ठीक है। लेकिन अगर आप आंसर कमेंट करोगे और अगर आंसर ठीक मिलेगा तब भी आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, अगर गलत मिलता है और उसका सोल्यूशन आपको एट प्रेजेंट मिल रहा है तो आपको फिर वो आगे तक याद रहेगा, ठीक है। ओके, तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए थोड़ा सा और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन आपका कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन है एट पोल्स मतलब ध्रुव रेखा के ऊपर, एट इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर, या फिर एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एट पोल्स। पोल्स पे वेट भी ज़्यादा होता है और जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो वैल्यू ऑफ जी है, वो भी मैक्सिमम होती है, ठीक है, पोल्स पे। ओके, क्यों होती है, क्योंकि जो रेडियस होती है वो अर्थ की यहाँ पे कम होती है।
और जो इक्वेटर्स होते हैं वहाँ पे रेडियस ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही वेट कम होगा, उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, और जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी उतना ही वेट आपका कम होगा। ओके, तो वस्तु का भार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पोल्स के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कम होती है, डिस्टेंस कम होता है वस्तु के, और सेंटर ऑफ अर्थ के डिस्टेंस कम होता है तो वेट ज़्यादा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपका वो राइट आंसर होगा, एट पोल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, जूल, सेल्सियस, फारेनहाइट। तो जो सेल्सियस या फारेनहाइट सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो है केल्विन। 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन की इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स दैस एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जो विद्युत मोटर है वो किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो देखो, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें मतलब जो विद्युत जो मोटर है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट? तो जो प्रकाशीय तंतु होते हैं निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, डिफ्रैक्शन विवर्तन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो वो उसी प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार लिख दीजिए क्लियर है और आगे चलें। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द पेंटियम चिप? पेंटियम जो चिप है उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया गया था विनोद धाम के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये चीज़ें आपको देखो थोड़ा सा याद रखनी होगी कि किसने किसका आविष्कार किया था, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ बच्चे थे, एक दो मैंने कमेंट भी देखा, उनका कहना था कि फिजिक्स का तो कोई क्वेश्चन देखने को मिला ही नहीं है। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको वहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपकी बात तो जो जीके का जो वेटेज है वो 40% है, मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आप मान के चल सकते हो कि 2-3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से, 2-3 केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब जनरल साइंस से नॉर्मली 6-7 क्वेश्चन आपके पूछ सकता है वो। ओके, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में लगभग आपका 2 महीने का टाइम बचा है। ओके, तो सिलेबस को आप साथ के साथ कवर करते रहें, जो चीज़ आपको अच्छे लगे उनको फॉलो, और साथ के साथ आप कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि इन चीज़ों को आप नोट कर सको और एग्जाम टाइम में आप उनको जल्दी से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक सब क्लियर है, आगे चलना तो लिख दीजिए यस, अगर नहीं चलना तो लिखो नो, और क्यों नहीं चलना, क्या चीज़ आपको अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, आप लाइव चैट में आके मुझे मैसेज कर सकते हो यस और नो, क्लियर है या नहीं क्लियर। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो आपके साथी हैं वो भी इन क्लासेस के साथ जुड़ सकें। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिटरमिन्स द पिच ऑफ ए साउंड? निम्नलिखित में से जो ध्वनि की जो सर्वमान पिच है वो उसको कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होती है, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही पिच उसकी कम होती है, मतलब ट्रैवल करने का उसका जो डिस्टेंस है वो कम होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम, तो जो डिपेंड करता है वो करता है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, आवृत्ति के ऊपर, और एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस, मतलब जो लाउडनेस डिपेंड करता है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर करता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो डिटरमिन करेगा वो करेगा लाउडनेस को, और फ्रीक्वेंसी करेगी किसको, पिच को। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपका विच फिनोमिना सो इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? जो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो इनमें से कौन सी घटना दिखाती है, फिर जो प्रकाश की जो कण प्रकृति है वो कौन सी घटना दिखाती है? तो ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, विवर्तन, इंटरफेरेंस या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो प्रकाश की जो कण प्रकृति दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। ओके, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें आपको जो पार्टिकल नेचर लाइट का वो देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु पियोनियर्ड द डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड? जो डायग्नोस्टिक है अल्ट्रासाउंड उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यान डोनाल्ड, एलेवरन एंड रॉबर्ट कॉच। तो इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी ऑप्शन नंबर सेकंड, यान डोनाल्ड के द्वारा। ओके, किसकी? अल्ट्रासाउंड, जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड होता है उसकी खोज की गई थी ऑप्शन नंबर सेकंड, यान डोनाल्ड के द्वारा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की जो तीव्रता है उसका एसआई मात्रक क्या है। अब काफ़ी सारे बच्चे इसको हर्ट्ज टिक करने जाएंगे, लेकिन नहीं, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की एसआई यूनिट। इसने पूछा इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता का एसआई मात्रक, तो वो होता है आपका डेसीबल, ओके। और जो टेस्ला होता है वो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कलर इज फाउंड फैंड ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्सड, जब नीले और हरे रंग को मिला देते हो तो कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जी, सियान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय जे बी डनलॉप, जे बी डनलॉप के द्वारा किस चीज़ का आविष्कार किया गया, तो ऑप्शन है आपके पास एयरप्लेन, कार, रबर टायर या फिर रबर बूट, मतलब जो रबड़ के जूते होते हैं वो। तो इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था कार का, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक गेंद को जब लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है, मतलब क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन है एनर्जी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी गति या फिर एसेलेरेशन त्वरण, ओके। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एनर्जी। अब किसी चीज़ को आप ऊपर की तरफ या फिर बॉल को ही आप अगर आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ये कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, ओके। इसकी जो गति है, जो वेलोसिटी है, वो भी एक बार इंक्रीज, ओके, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे ही वेलोसिटी और एसेलेरेशन वो डिक्रीज होगा, ओके। लेकिन जो एनर्जी, जो ऊर्जा है उसकी, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप टिक करोगे, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऑप्शन है जूल, न्यूटन, कैलोरी या फिर केल्विन। तो 48th जो क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता होगा। जो उष्मा मतलब हीट एनर्जी है, एनर्जी हीट एनर्जी या फिर जो वर्क, इन सब की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन सेंटीमीटर फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर आप कम से देखोगे किसी चीज़ को तो वो आपको आसानी से नहीं दिखेगा, वो मतलब क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो डिस्टेंस है, मिनिमम जो डिस्टेंस है, वो है 25 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पास्कल्स लॉ, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है, तो ऑप्शन है क्लाइंबिंग या फिर पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग या फिर स्कूबा डाइविंग, ओके। तो जो आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर फोर्थ तरीका, स्कूबा डाइविंग का, ओके। तो इसको हम टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो कि हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल, जो सेंटीग्रेड स्केल है उसका आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन है आपके पास एंड्रस सेल्सियस, डेनियल क्रेबिल फारनेंट, विलियम थॉमसन एंड राइट ब्रदर्स, ठीक है। सेंटीग्रेड स्केल का जो आविष्कार किया था वो किया था एंड्रस सेल्सियस ने, डिग्री सेल्सियस से आप समझ भी गए होंगे, वो किया था आपका एंड्रस सेल्सियस ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क, जो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है वो किस किस सिद्धांत पे काम करती है, तो ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, आर्किमिडीज या फिर जूल। तो जो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है वो काम करती है पास्कल लॉ के ऊपर, ओके, ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एट वट टेम्परेचर, किस तापमान पे जो डिग्री सेल्सियस का जो मान है वो फारेनहाइट स्केल पे भी इक्वल हो, मतलब जो सेल्सियस स्केल पे मान है वही फारेनहाइट स्केल पे हो, तो ऑप्शन आपके पास -40, 40 to 73 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका प्रिंट नहीं हो पाया है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, -40 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन एंड इज इक्वल टू 33.8 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। तो -40 पे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल होगी, ओके, क्लियर। यहाँ तक आज की जो क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आज हम फिजिक्स का जो पूरा क्वेश्चन बैंक है वो पूरा कर लेंगे, ओके। फिर अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री को पूरा करने की, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फ्लाई ऐश, जो निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है, ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जल विद्युत ऊर्जा केंद्र, सेकेंड आपका कोयल कंबशन पावर प्लांट, थर्ड आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड फोर्थ आपका टिडल पावर प्लांट ज्वारीय ऊर्जा सेंटर। जल विद्युत ऊर्जा केंद्र में राख का कोई काम नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ से तो राख उड़ने का ही कोई मतलब नहीं बनता, तो यहाँ से आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, कोयल कंबशन पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में राख का कोई काम नहीं कि वो बने और वो उड़े, ठीक है। जो कोयला कंबशन पावर प्लांट है, कोयले से ही राख बन सकती है और
आँख बनेगी तभी तो उड़ेगी। ओके तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसको हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं छोड़ के। जो अगला क्वेश्चन आपका कि हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो रिलेटिविटी की जो थ्योरी है उसके लिए कि फेमस हुए थे, काफ़ी फेमस हुए थे, वो हुए थे एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ को हम टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट। आई थिंक मुझे तो लगता नहीं कि आप सभी के साथ डिस्कस करने की नीड होगी। ओके सभी बच्चों को पता होना चाहिए पावर की एसआई यूनिट क्या है और इसका आंसर आप मुझे लाइव चैट में मैसेज कीजिए। ठीक है, इसका आंसर मैं आप सभी के साथ डिस्कस नहीं करूँगा। ओके अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि पावर की एसआई यूनिट होती क्या है। ठीक है, ओके क्लियर यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इन क्लासेस के साथ जुड़ सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन आपका कि सुपर कूलिंग इज कूलिंग ऑफ लिक्विड, सबसे पहले बात आएगी कि सुपर कूलिंग होता क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं लिक्विड से, मतलब हम पहले वाटर ही लेके चलते हैं। आप सभी को पता कूल करने का मतलब उसका टेम्परेचर कम करना कूलिंग होता है। ठीक है, लेकिन इसने कहा सुपर कूलिंग। अब जो वाटर है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। वो सॉलिड कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आ जाता है तब वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन किसी लिक्विड को बिना सॉलिड बने ठंडा करना, मतलब बिना उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे, उसके फ्रीजिंग पॉइंट से एकदम से नीचे लेके आना बिना सॉलिड बने, वही होता है आपका सुपर कूलिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर जो सेकंड है वो आपको दिख भी गया होगा, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड सुपर कूलिंग। ठीक है, तो लिक्विड को जब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे लाया जाता है तो उसको हम नाम देते हैं सुपर कूलिंग। ओके तो ऑप्शन नंबर सेकंड वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज इन इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड। चेंज इन डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो उसको क्या कहते हैं, जब कोई लाइट की जो वेव है वो बैंड होती है तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सभी को पता होगा जब चेंज होता है डायरेक्शन में तो वो होता है आपका रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तीन चार तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं हम, रिफ्रैक्शन पे भी, रिफ्लेक्शन पे भी और डिफ्रैक्शन पे भी। ठीक है, ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा कि हु इन्वेंटेड रडार, रडार का जो आविष्कार था वो किसने किया था। तो ऑप्शन आपके पास फ्रेड मॉरिसन या फिर ए एच टेलर एंड लियो सी यंग, एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास वैन टॉसिल एंड फोर्थ आपका डब्ल्यू के रॉटचन। ओके तो रडार का जो आविष्कार किया था वो किया था ए एच टेलर और लियो सी यंग ने मिलके। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो सर्पिल जो घर्षण होता है वो स्थिति घर्षण से खालिस्तान होता है, दुगना होता है, डबल होता है या फिर सेम होता है या ज़्यादा होता है या फिर छोटा कम होता है। ओके तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्मॉलर। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो छोटी होती है, स्मॉल होती है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे स्लाइड करना स्टार्ट करे, ठीक है, मतलब स्लाइड करना स्टार्ट करे तब उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता, इनके जो इंटरलॉकिंग जो इन इसकी इरेगुलेटरीज होती हैं वो इंटरलॉक होने में इतना टाइम नहीं ले पाती कि वो रुक सके, मतलब इंटरलॉक हो सके। ठीक है, तो इसी वजह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्लियर, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन इज द यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ, केल्विन को मापने किसको मापने की इकाई है। तो ऑप्शन है आपके पास डेंसिटी, प्रेशर, मास, टेम्परेचर। तो आई थिंक आप सभी को पता भी होगा केल्विन में क्या मापा जाता है, वो मापा जाता है आपका टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टेम्परेचर कैसे यूनिट क्या थी, केल्विन। तो हम केल्विन को, सॉरी टेम्परेचर को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि इन साइंस ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, विज्ञान के अकॉर्डिंग किसी वस्तु पर अभिकर्षण या फिर अपकर्षण को क्या कहते हैं, किसी चीज़ को पुश करते हो या फिर उसको अपनी तरफ खींचते हो इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स, बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड द कलर फोटोग्राफी, रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन आपके पास रॉबर्ट नॉइस, एनरिको फर्मी, जॉन लॉगीबेर्ड एंड फिर फोर्थ ऑप्शन आपका जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, तो इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी ऑप्शन नंबर फोर्थ, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा। ओके, किसकी, कलर फोटोग्राफी की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपको कि जो आज की क्लास है वो थोड़ी सी लंबी रहेगी और आज हम फिजिक्स का जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा करेंगे। ओके तो कुछ क्वेश्चन और बचते हैं आपके, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी और क्लास आज थोड़ी लंबी रहनी थी तो इसी वजह से क्लास की जो टाइमिंग है वो भी थोड़ा सा पहले स्टार्ट की आज क्लास को। ओके और जो नए बच्चे हैं उनको टाइमिंग अगर नहीं पता तो 7 PM शाम को 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है। ओके तो
तो अगर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको सक्सेस फंड को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर टैप जरूर कर लें ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो क्वेश्चन आपका, इन ए क्वालिटेटिव वेव द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट, कोई अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में रहे या फिर अगर मूव कर रहा है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसको हम क्या कहेंगे। ओके, तो ऑप्शन आपके पास फोर्स बल, एसेलेरेशन त्वरण, फ्रिक्शन घर्षण या फिर इनर्शिया मतलब जड़ता। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट है अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट, या तो वो रेस्ट में ही रहेगा या तो वो रेस्ट में मतलब ना हिले ना डुले, अगर वो मूव कर रहा है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू मूव करता रहे तो उसको क्या कहेंगे। उसको कहेंगे हम ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनर्शिया। ठीक है, क्या कहेंगे, इनर्शिया जड़त्व। ये आपका जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो भी कुछ इसी तरह का है, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या फिर मूव करेगा तो सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है, वो आपका इनर्शिया होगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टाइम टेकन बाई ए पेंडुलम टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स। एक पेंडुलम जो टाइम लेता है अपने एक ऑसिलेशन को पूरा करने में तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड, टाइम पीरियड या फिर टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, टाइम इंटरवल। कोई पेंडुलम है, ओके, उसको यहाँ से स्टार्ट किया जाता है और वो अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है तो उसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल, ऑप्शन नंबर फोर्थ। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिकल ट्रैम, जो इलेक्ट्रिकल ट्रैम है इसका आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन जेम्स कुक, विलियम हार्वे, फ्योदर प्रोत्स्की एंड रॉबर्ट बॉयल्स। तो इलेक्ट्रिकल ट्रैम का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था फ्योदर प्रोत्स्की के द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्स्टेंट है तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे। तो उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और वो हर टाइम पे सेम है, इतनी ही है, तो वो होगी आपकी यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसकी स्पीड चेंज हो रही है हर टाइम इंटरवल पे, मतलब कभी 45 कभी 55, मतलब डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, तो वो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रहा है और हर पॉइंट पे मतलब हर टाइम इंटरवल पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो वो होती है आपकी सर्कुलर मोशन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाई इट्स, जो बल की जो प्रबलता है वो प्राय इसके खालिस्तान से मापी जाती है। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स आपने लगाई, तो वो डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पे, ऑप्शन नंबर फोर। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक का भी लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। और क्वेश्चन है कि द साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर्स, जो साइड मिरर होते हैं व्हीकल्स के वो किस तरह के मिरर होते हैं। तो ऑप्शन कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन एंड इन्वर्टेड, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, इसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, आपको खुद बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद फिर राइट आंसर आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो 10 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर मुझे लाइव चैट में मैसेज करें। ओके, और इसी के साथ आपकी जो क्लास है आपकी आज की वो यहीं पे ख़त्म होगी। तो काफ़ी सारे बच्चों का आंसर आ भी गया और आपका टाइम भी ख़त्म हो गया, तो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ओके, तो जो साइड मिरर होते हैं वो कन्वेक्स मिरर के बने हुए होते हैं। ओके, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। क्लास के रिगार्डिंग अपना फीडबैक मुझे लाइव चैट में जरूर दें और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर वेलवी सर, गुड लक, सक्सेस पॉइंट।